आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ PMEGP स्कीम के बारे में। अगर आपने यह स्कीम पहले नहीं सुनी है तो आपको बता दूं, इस स्कीम के तहत आप 50 लाख तक का लोन ले सकते हैं, वो भी बड़े ही आसान तरीके से। जी हाँ दोस्तों, और इस स्कीम के तहत लोन मिलता भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बता रहे हैं और आप लोन नहीं ले पा रहे हैं। नहीं दोस्तों, हम आपको पूरी जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप कि आप शुरू से लास्ट तक कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आप इसके लिए और इस स्कीम के तहत आप लोन कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना, इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, इस स्कीम का नाम है PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसे हिंदी में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के नाम से भी जाना जाता है। शॉर्टकट में इसे PMEGP कहा जाता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर आप नया कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, वह आपके ग्रामीण क्षेत्र में हो या चाहे शहरी क्षेत्र में हो, दोनों ही क्षेत्र के लोग इसके लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। इसके तहत पहले तो 15 से 25 लाख तक का लोन मुहैया कराया जाता था, लेकिन अब इसकी सीमा बढ़ाकर 50 लाख तक कर दिया गया है। साथ ही इसमें सबसे अच्छा चीज़ क्या है, मैं ये भी बताता हूँ आपको। इसमें दोस्तों अगर आप लोन लेते हैं तो आपको इसमें सब्सिडी मिलता है। दोस्तों आपको इसमें 35% तक का ग्रामीण क्षेत्र में और 25% तक का शहरी क्षेत्र में इसके अंतर्गत सब्सिडी प्रदान की जाती है। दोस्तों अगर आप लोग 1 लाख रुपए की राशि लोन लेते हैं तो आपको सिर्फ, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको 65,000 रुपए की बस किस्त चुकानी होगी, और अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो 1 लाख रुपए के लोन लेंगे तो उसके अंतर्गत आपको सिर्फ 75,000 रुपए का आपका किस्त चुकाना पड़ेगा। दोस्तों इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताता हूँ। अगर आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इसके लिए 15 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, और अगर आप किसी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप 25 लाख तक की जो राशि है वो लोन के माध्यम से ले सकते हैं। दोस्तों इसको अपडेट कर दिया गया है, जिसके तहत आप अभी 50 लाख रुपए तक का लोन आसानी से ले सकते हैं। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरी तरीके से ऑनलाइन है, आपको किसी भी बिचौलियों को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को भी एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका पूरा काम ऑनलाइन बेसिस पे होगा और ऑनलाइन ही आप फॉर्म सबमिट भी करेंगे। इसका आप जिस भी डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे आपको इसका फाइनल कॉपी जाके जमा करना होगा। जमा इसलिए करना पड़ता है ताकि वो जान सके आप इसके लिए अप्लाई किए हुए हैं, वो उसके हिसाब से आपके जगह पर एक फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, जिसके तहत अगर आपका लोन पास होता है तो आपको सीधे आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। अब यदि आपको सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये नहीं पता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे हम इसके डिटेल्स दे दिए हैं। फिर भी शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, सर्विस सेक्टर मतलब कोई ऐसा बिजनेस जिसके तहत आप किसी को सर्विस देते हैं, सर्विस बेचते हैं। जैसे कि मान लो आपका कोई ऑनलाइन का शॉप है जहाँ पे आप पैन कार्ड बनाते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं या बैंकिंग फैसिलिटीज़ देते हैं, तो वो आपकी सर्विस हो गई। इस प्रकार के बिजनेस को हम सर्विस सेक्टर के अंदर लेते हैं। और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, दोस्तों ये किसी प्रकार का ये एक ऐसा यूनिट या ऐसा प्लांट होता है जहाँ पे हम प्रोडक्शन करते हैं या किसी प्रकार की वस्तु का निर्माण करते हैं, उसे हम मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत लेते हैं, जहाँ पे कार के सभी पार्ट्स को असेंबल किया जाता है और कार को कंप्लीट जोड़कर बनाया जाता है, उसे हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहते हैं। और बनने के बाद जिसे हम सेल करेंगे वो चीज़ हो जाता है आपका सर्विस के अंतर्गत, या उसका जो रिपेयर होता है या उसकी जो भी मेंटेनेंस होती है, ये जो प्रोवाइड करते हैं हम उसे सर्विस के अंतर्गत कंसिडर कर सकते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं आपको इसके लिए एक डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। अब चलिए जानते हैं इसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो सबसे पहले हमें वो सभी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो प्राइमरी किसी भी योजना के लिए हमको देना पड़ता है, जैसा कि हमारा राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बैंक पासबुक, चेकबुक, ये चीज़ें आपको देनी होगी। इसके साथ साथ आप अगर जो बिजनेस करना चाहते हैं तो उस बिजनेस के लिए आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना होगा। अब मैं बता दूं आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है। दोस्तों आप जिस प्रकार का भी बिजनेस करते हैं
उस बिजनेस में आपके स्टार्टिंग से लेके आप उसमें कैसे स्टार्ट करेंगे, आपको कितनी लागत आएगी, आपको उस बिजनेस को रन करने के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीज ब्रीफ में आपको उसमें लिख के देना पड़ेगा। आप अपने शॉप को चलाने के लिए कौन कौन से सामान की आपको जरूरत पड़ेगी, जिसे रॉ मटेरियल्स कहा जाता है, और आपकी शॉप बन जाने के बाद आप वहाँ पे क्या क्या चीज़ सेलिंग कर सकते हैं, ये पूरा डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, जिसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहा जाता है। यदि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना नहीं आता तो आप हमारे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको आपके बिजनेस के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं इसकी एक वीडियो दी गई है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ पे जाके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप एससी एसटी या ओबीसी या स्पेशल कैटेगरी से है तो आपको अपने कैटेगरी का एक प्रमाण पत्र देना हो, साथ ही साथ आपको अपने एकेडमिक सर्टिफिकेट्स और टेक्निकल सर्टिफिकेट्स आपको देने होंगे। टेक्निकल का मतलब किसी प्रकार के अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं तो आपके पास कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जिसके लिए आपको टेक्निकल सर्टिफिकेट का टर्म यूज किया गया है। इसके साथ ही आपको एक ईडीपी का ट्रेनिंग देना होगा, जहां से आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस ईडीपी का ट्रेनिंग आप कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, इसकी जानकारी भी आपको आई बटन में देख रहे हैं इस वीडियो पे आपको मिल जाएगी। वहां पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आप ईडीपी के लिए किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं और उसकी ट्रेनिंग लेंगे तो उसकी ट्रेनिंग के लिए कितने दिन का समय लगेगा और उस ट्रेनिंग को आपको कंप्लीट करने के लिए क्या क्या जरूरी दस्तावेज लगेंगे और आपको क्या करना होगा, इसकी सारी जानकारी दी गई है। अब इस वीडियो को देख के उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं तो इसके साथ साथ दो डॉक्यूमेंट्स और बच जाते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसमें आपको अपने शॉप का रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि एमएसएमई से होता है, उद्यम आधार से। उसके बाद आपके कंपनी का आपके नाम से एक जीएसटी होना चाहिए, तभी जाके आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। याद रखिए, इस बिजनेस में सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जो अभी नया बिजनेस अपना चालू करना चाहते हैं या नया बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं। जो पहले से किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं तो उसके लिए ये लोन अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों, जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेंगे तो सभी एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप इसके जो डिपार्टमेंट है, जो ऑफिस है, वहाँ पे जाके आपको सबमिट करना होगा, ताकि वहाँ से क्रॉस वेरीफाई करेंगे और आपके और आपका जो शॉप का प्लेस है, जो शॉप का एड्रेस होगा, वहाँ पे ये लोग वेरीफाई करने के लिए आएंगे, विजिट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर और इसको हम ऑनलाइन किस प्रकार से कर सकते हैं इसकी जानकारी देते हैं। आप देख सकते हैं हमने पीएमईजीपी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखा है। आप सिंपल सा गूगल में जाके पीएमईजीपी लिखेंगे तो यह आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप सबसे पहला ऑप्शन देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको सबसे ऊपर में होम के राइट साइड में ऑनलाइन एप्लीकेशन का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालेंगे। अगर आपका आधार नंबर नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद जस्ट नीचे आप आवेदन का यहाँ पे नाम लिखेंगे। चलिए हम यहाँ पे कोई भी एक नाम दे देते हैं। उसके बाद जस्ट नीचे सेलेक्ट एजेंसी में आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों बता दूं, नॉर्मली यहाँ पे डीआईसी सेलेक्ट किया जाता है, क्योंकि डीआईसी का ऑफिस है, आपको हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगा। और जो ऊपर के जो केवीआईसी केवीआईबी लिखा है, ये आपको जो बड़े बड़े सिटीज होते हैं, जो राजधानी होते हैं, सिर्फ वहीं पे मिलता है, इसलिए आप यहाँ पे डीआईसी को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके जस्ट नीचे आप अपना स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट को भी सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप अपने डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे, आपके पास प्रॉपर एड्रेस आ जाएगा, आपका जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर है उसका। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, अपना जेंडर आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए आपका यहाँ पे उम्र भी शो हो जाएगा। उसके बाद आप अपना सोशल कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। अगर आप जनरल है तो जनरल, ओबीसी एसटी एससी, अब जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस लिखेंगे। आप यहाँ पे अपना जिला देखिए, जो जिला हम पहले सेलेक्ट किए रहेंगे वह जिला यहाँ पे आ जाएगा।
उसके जस्ट नीचे आप इसका पिन कोड डाल लेंगे, आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे लिख लेंगे, साथ ही अगर आप अपना पैन नंबर भी देंगे तो यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यूनिट लोकेशन का नाम आप चेंज करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप ग्रामीण से हैं तो यहाँ पे रूरल को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप शहरी क्षेत्र से तो आप यहाँ पे अर्बन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप फिर से अपना एड्रेस लिख लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो बिजनेस है वो किस प्रकार का है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर आपका कोई शॉप है, किराने की शॉप है या किसी प्रकार की शॉप है जहाँ पे आप कोई वस्तु या सामान लेन देन करते हैं तो आप यहाँ पे सर्विस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका होटल है, रेस्टोरेंट है तो भी आप यहाँ पे सर्विस को सिलेक्ट करेंगे। बता दूं अभी आपको कि अभी ट्रेडिंग का ऑप्शन ओपन नहीं हुआ है तो यहाँ से आप ट्रेडिंग सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप ट्रेडिंग सिलेक्ट करते हैं तो आपका लोन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका किस प्रकार का उत्पाद आप निर्माण करते हैं उसको लिखना होगा। अगर आप सर्विस में आएंगे तो ये ऑप्शन आपके लिए बंद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ईडीपी ट्रेनिंग लिखा है, अगर आपने ट्रेनिंग ले रखी है तो यस कर देंगे, अगर आपने ट्रेनिंग नहीं लिया तो यहाँ पे नो कर देंगे। बता दूं आपको अगर आपका लोन यहाँ पे सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो जाता है तब आपको ये सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इस सर्टिफिकेट के बिना आपका लोन कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद उसके नीचे में आप लिखेंगे आपको कितना लागत लगेगा, आपका कितना खर्च आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपना वर्किंग कैपिटल शो कर देंगे। वर्किंग कैपिटल का मतलब अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस को चलाने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत होगी, उस पैसे को आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका बैंक विवरण है यहाँ पे आप अपना बैंक का डिटेल्स डाल देंगे, सेम इसी तरह का आप अपने दूसरे बैंक का एड्रेस भी यहाँ पे डाल लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप यस करके चलिएगा। लास्ट में इसके बारे में आपने कहां से सुना है तो इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में एक चेकबॉक्स है, इस चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे और आगे सबमिट कर देंगे। दोस्तों जैसे आप सबमिट करेंगे आपके पास आपके मेल और मैसेज में ओटीपी आएगा, ओटीपी के माध्यम से आप इसे वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद आपको एक आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा इसमें लॉगिन करने का। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तब आपके मोबाइल पे एसएमएस के द्वारा इसका यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। वहां से आप ये जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है देख सकते हैं रजिस्टर्ड एप्लीकेंट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के लिए यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन है वो पूरा सबमिट होगा, कंप्लीट यहाँ पे आपका एप्लीकेशन होगा। तो चलिए हम देखते हैं बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप हमको क्या करना है। सबसे पहला ऑप्शन ये होम बटन है, उसके बाद एप्लीकेंट डाटा है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे आपने जिस समय रजिस्ट्रेशन किया था उसमें जो भी जानकारी दिए थे वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगी, आप एक बार क्रॉस चेक यहाँ पे कर लेंगे। आप पूरा डिटेल्स चेक करने के बाद यहाँ पे स्कोर कार्ड में आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आप पढ़ पढ़कर इसमें सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपके हिसाब से सही है। तो सबसे पहला देख लीजिए यहाँ पे एज दिया गया है, तो आपका उम्र किस एज ग्रुप में है वहां पे आप देख सकते हैं, ये आपका स्कोर कार्ड दिखाएगा आपको, क्योंकि हम पहले से अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपना एज लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे लॉक है, शो नहीं हो रहा है। नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, आपके घर में आपके ऊपर कितने लोग डिपेंड है यहाँ पे आप देख, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि तीन है तो तीन करेंगे, तीन से ज्यादा है तो यहाँ पे मोर देन थ्री करेंगे। इसी प्रकार आप सारे इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उसको आप फिल कर लेंगे। उसके बाद सीधे अपलोड में हम आ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे यहाँ पे अपलोड करने होंगे, देख सकते हैं सबसे पहले फोटो अपलोड करना आपको, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट। दोस्तों अगर आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनाया है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए हम आई बटन में आपको इसका लिंक दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस प्रकार बना सकते हैं। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे रूरल सर्टिफिकेट और एक हायर एजुकेशन का आपका सर्टिफिकेट, सभी को आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आपके पास है फाइनल सबमिशन का ऑप्शन। फाइनल सबमिशन में आने के बाद अगर आपका डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट है तो यहाँ पे आप फाइनल सबमिट कर देंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने इसे कंप्लीट नहीं किया इसीलिए मेरे पास ये फेल्ड दिखा रहा है। अगर आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो आप यहाँ पे इजीली सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने फॉर्म को भी यहाँ से ट्रैक कर पाएंगे,
करंट स्टेटस, उसके बाद है डाउनलोड बैंक फॉर्म फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन। फ्रेंड्स, अगर आपका लोन यहाँ पे अप्रूव हो जाता है तब आपके लिए एक फिजिकल वेरिफिकेशन होगा आपका जो शॉप है वहां का, उसके लिए यहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे ईडीपी का ऑप्शन है। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा जो ईडीपी का ट्रेनिंग है वो आप लोन सैंक्शन होने से पहले नहीं देंगे, क्योंकि इसके लिए कुछ चार्जेस लगते हैं। जैसा आपका लोन अप्रूव हो जाएगा उसके बाद ही आप ईडीपी का ट्रेनिंग देंगे। इस प्रकार से आपका जो लोन एप्लीकेशन है ये कंप्लीट हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा। आपको इसमें किसी प्रकार की अगर परेशानी होती है तो लास्ट ऑप्शन जो ग्रीवेंस करके दिया गया है यहां से आप अपने लिए ग्रीवेंस क्रिएट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं ईडीपी के लिए ट्रेनिंग आपको कैसे करना है। मान लीजिए अगर आपका लोन सैंक्शन हो गया है तब आप यहां से क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डिटेल्स देगा। अब आपको जो ईडीपी का ट्रेनिंग है वो ऑनलाइन देना है या ऑफलाइन देना है, यहाँ पे आप जो भी मोड आपको पसंद है आप वहां सेलेक्ट कर लेंगे। आपको यहाँ पे जिस भी मोड में एग्जाम देना होगा आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मुझे ऑनलाइन देना है इसलिए मैंने यहाँ पे ऑनलाइन को सिलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पे देख लीजिए उसके जस्ट नीचे लिखा है प्री ईडीपी बिफोर बैंक सैंक्शन। अगर बैंक से आपका लोन सैंक्शन नहीं हुआ है और उससे पहले आप एग्जाम देना चाहते हैं तब आप ये पहले वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और अगर आपका लोन सैंक्शन हो गया है उसके बाद अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हो आप सेकंड नंबर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसे सबमिट कर देंगे। दोस्तों, इसके बाद ये जो नीचे दिख रहा है आपको ऑनलाइन ईडीपी, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। आप जब इस पेज पर पहुंच जाएंगे तब राइट साइड में ऊपर में देख सकते हैं लॉगिन और रजिस्टर्ड, इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका लोन अप्रूव हो गया या नहीं हुआ है, आप किस बेसिस पर इस एग्जाम को देना चाहते हैं यहाँ पे आप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डाल के ओटीपी सेंड कर देंगे। उसके बाद ओटीपी आएगा तो आप रजिस्टर कर लेंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जिस प्रकार का एग्जाम देना है, आपको कौन सा ट्रेनिंग देना वो यहाँ पर दिया गया है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ से जो सेकंड नंबर का है एजुकेशन प्रोग्राम, ये आपके लिए 60 डेज का है, 60 दिन में ये आपका ट्रेनिंग कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये वाला देंगे तो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और ये तीसरा वाला देंगे तो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन थर्ड वाले में क्या आपको अगर आप ये 1 साल वाला जो कोर्स है ये लेना चाहते हैं तब क्या होगा, आपको जो ये ईडीपी प्रोग्राम की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ से आपको सपोर्ट मिलता है। ये आपके लोन के लिए भी हेल्प करेंगे और आपको जो भी जीएसटी रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिए भी ये आपको हेल्प करेंगे, लोन दिलाने के लिए मदद करेंगे। तो आप देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप 2 महीने वाला कोर्स करने के बाद भी लोन यहाँ से अप्लाई नहीं कर पाएंगे या फिर आप लोन नहीं ले पाएंगे तो क्या कीजिएगा, आप ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है इसे आप क्लिक करके यहाँ से रजिस्टर कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ फीस लगेगा जो कि 5,000 के तकरीबन है, वो फीस आप पे करेंगे तब आप इसका ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आप इसका ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तब आपको इसकी ओर से आपको पूरी तरीके से हेल्प किया जाएगा आपको लोन कैसे मिल सके। इससे पहले दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तब आपको वेबसाइट की ओर से एक कॉल आएगा और कॉल के माध्यम से आपको इसकी पूरी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपके पास किसी प्रकार का सवाल है इस योजना से लेकर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सके। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।